यार जो हम डिस्कस करेंगे वो पहले ये डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे, ये हमने कैसे लेने हैं, फिर न्यूटन्स फार्मूला इस पे एक हम डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले ये डिवाइडेड डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज नोन एट सेवरल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, तो एट दिस पॉइंट फंक्शन इज एफ जीरो। At point x1, function f1. At x2, function f2. X3, function f3, and so on. The first divided difference between x0 and x1 is. उसके लिए ये notation हम use करते हैं f x0 x1, और इसको हम calculate करते हैं f1 minus f0 over x1 minus x0. इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू माइनस फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स जीरो एंड एक्स वन। इसी तरह से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, ये होगा फंक्शन वैल्यू एट एक्स टू, जिसको हमने एफ टू लिखा है, माइनस फंक्शन वैल्यू एट एक्स वन, वो एफ वन हो गया। x2 माइनस x1 ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह से और जो हमारे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे वो इसी तरह लिए जाएंगे। अब जनरल फॉर्म उसकी ऐसे लिख दी है एफ एक्स आई, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एफ आई प्लस वन माइनस एफ आई ओवर एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। अब ये तो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस। इसी तरह से आगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे, थर्ड होंगे, एंड सो ऑन। अब ये एक टेबल जनरल फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड नोटेशन। ए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज शोन बिलो इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये नोटेशन हमने यूज की थी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए एफ एक्स आई प्लस वन। तो जब हम आई को जीरो करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा, वो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स जीरो, और इसको जीरो करेंगे तो ये एक्स वन बन जाएगा। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मिलेगा हमें। और ये कैलकुलेट कैसे होगा, एफ वन माइनस एफ जीरो ओवर एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ऐसे जब हम इसके आगे जाते हैं एफ एक्स वन एक्स टू, तो वो हमारा इन दो पॉइंट के साथ और इन दो फंक्शन वैल्यू के साथ कैलकुलेट होगा। ऐसे ही फिर हम इसके आगे चलेंगे, इन दो पॉइंट्स को और इन फंक्शन वैल्यूज को यूज करेंगे, ये मिलेगा। फिर इन दो वैल्यूज को और इनको यूज करेंगे तो ये मिलेगा। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस मिल गए हमें। अब इनसे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस पे जाना है, तो उसके लिए हम उसके नेक्स्ट पॉइंट तक जाएंगे। ये होगा एफ एक्स आई प्लस वन एक्स आई प्लस टू। अब ये तीन यहाँ पे पॉइंट होंगे। तो जब आई को जीरो किया हमने तो उसी तरह से यहाँ पे एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू बन गया। अब ये स्टार्ट हो रहा है एक्स वन से और एंड इसका एक्स टू पे हो रहा है। इसको जब फाइंड करना हमने तो फिर इन दो वैल्यूज को यूज करना है। इस फंक्शन वैल्यू से इसको माइनस करना है और x2 माइनस x0 करना है। इसके लिए x2 माइनस x0 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम इन दो को यूज कर रहे होंगे और ये x1 x2 और x3 तक जा रहा है। देखें x1 x2 x3, तो ये दो फंक्शन वैल्यूज यूज हो रही हैं। इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स वन करेंगे हम। ऐसे जब अगला डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे तो वो इन दो वैल्यू से होगा। उसकी स्टार्ट एक्स टू से हो रहा है एंड उसका एक्स फोर से हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय एक्स फोर माइनस एक्स टू कर दिया जाएगा। तो ये आपको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस मिल जाएंगे।
ऐसे जब थर्ड पे जाएंगे, इसके आगे जाएंगे, तो फिर इसके आगे वाला पॉइंट यूज करेंगे हम। तो ये हो गया एफ एक्स आई, एक्स आई प्लस वन, एक्स आई प्लस टू, एक्स आई प्लस थ्री। तो जब इसमें भी जीरो आई को लगाते हैं तो हमारे पास एफ एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री आ गए। जब आई को वन लगाते हैं तो फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर बन जाएंगे। तो ये इसके थर्ड डिवाइडेड डिफरेंसेस होंगे। अब इनको भी हमने जब फाइंड करना है तो ये वैल्यू प्रीवियस यूज करनी होती है। इसमें से इसको माइनस करते हैं हम, डिवाइडेड बाई, फिर क्या होगा, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो किया जाएगा। ये जब डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है फिर ये दो वैल्यूज यूज होनी है और डिवाइडेड बाई एक्स फोर माइनस एक्स वन होना है। तो ये हमारा टेबल इस तरीके से आगे चलेगा। अब ये जनरल फॉर्म है, इसको अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल पे। फ्रॉम द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द डेटा, अब डेटा है एक्स आई वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये फाइव पॉइंट्स का डेटा है। एट एक्स जीरो एफ जीरो इज माइनस नाइन, एक्स वन एफ वन, फिर एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, एक्स फोर एफ फोर, ये हमारे पास डेटा है। इसको फिर इस कॉलम में लिखा है एक्स आई वैल्यूज को और यहाँ पे फंक्शन वैल्यूज को लिख दिया। अब वो जो नोटेशन एफ एक्स जीरो एक्स वन वाली थी उसको मैंने उसकी बजाय लिख दिया वन और फिर डी डॉट डी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऐसे ही इसको लिखा टू, तो ये हो गया सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ये थ्री लिखा तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। ये शॉर्ट नोटेशन में इनको लिख दिया गया। अब इसको फाइंड करना है हमने ये कॉलम। जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इनका लेंगे हम तो वो माइनस फोर्टी वन माइनस माइनस नाइन करके डिवाइडेड बाई टू माइनस वन करके वो माइनस थर्टी टू आएगा। जब हमने नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेना है वो इन दो वैल्यू से होगा, माइनस वन एटी नाइन माइनस माइनस फोर्टी वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू। अब यहाँ पे फोर माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आता है नाइन माइनस माइनस वन एटी नाइन डिवाइडेड बाई सेवन माइनस फोर, उससे आपको सिक्सटी सिक्स मिलेगा। नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एट माइनस सेवन वन, तो वो फाइव हंड्रेड फोर्टीन आ गया। अब इसका जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो फिर इन दो वैल्यू से लेंगे, माइनस सेवेंटी फोर माइनस माइनस थर्टी टू। अब ये तो ऊपर आएगा, अब ये वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू देती है तो इसके नीचे आएगा फोर माइनस वन, तो ये वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद आते हैं इसके कैलकुलेट करने, वो इन दो वैल्यूज ने कैलकुलेट करने। अब इसके नीचे जो आएगा वो सेवन माइनस टू, सेवन माइनस टू हो जाएगा तो ट्वेंटी एट आ जाएगी वैल्यू। इसके आगे नेक्स्ट इन दो वैल्यू से हमने फाइंड करना है, तो 514 माइनस 66 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, तो ये वैल्यू आएगी 112। वैसे जब इन दो वैल्यूज को यूज करना है यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए, तो ये 28 माइनस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू के लिए 112 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2, तो ये वैल्यू आएगी।
इसके बाद फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, उसके लिए 14 माइनस 7, अब ये एंड से 8 माइनस 1 डिवीजन करेगा इसकी, तो 1 आ जाएगा। तो ये एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गया। अब एक और टेबल डिस्कस करते हैं इसी तरह से। इसमें वैल्यूज एक्स की दी गई है 3.2, 2.7, 1.0, 4.8, 5.6 फंक्शन वैल्यूज ये वाली हैं। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेना है, तो ये हो गया 17.8 माइनस 20 2.0 डिवाइडेड बाई 2.7 माइनस 3.2, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट लेना है तो फिर ये वैल्यूज यूज होंगी इसी तरह से, इन वैल्यू से और इनसे आपको ये 6.342 मिलेगा। लास्ट ये वाले हैं, इनसे आपको 16.750 मिलेगा। अब इनको यूज करते हुए हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे, तो अब यूज होगा 2.118 माइनस 8.400 और ये तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 1.0 माइनस 3.2, तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद आ जाता है 6.342 माइनस 2.118 और इसके नीचे आएगा 4.8 माइनस 2.7। इसके बाद इन दो वैल्यू से इसको बनाएंगे तो 16.750 माइनस 6.342 डिवाइडेड बाई 5.6 माइनस 1.0, तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जब जाएंगे तो ये दो वैल्यूज यूज होंगी और इधर से 4.8 और 3.2 इनको यूज करेंगे हम, तो फिर ये मिलेगा। जब हम इसको फाइंड करेंगे, ये दो वैल्यूज यूज करेंगे 2.263 माइनस 2.012 डिवाइडेड बाई 5.6 माइनस 2.7, तो ये आ गया। जब ये दो यूज करेंगे हम फोर्थ डिफरेंस बनाएंगे, तो इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस, ये आपको इस फोर्थ डिफरेंस की वैल्यू बताएगा। ऐसे ही ये टेबल बने हुए हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ऑफ फंक्शन 2x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इस पॉलीनोमियल का ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना हुआ है, तो इसके अंदर आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे पीछे बनाया। तो अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट हो गया है। ये उसी तरह से जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाते थे, तो एक जगह पे कांस्टेंट अगर हो जाता था तो उससे पॉलीनोमियल की डिग्री का पता चल जाता था। तो इसके अंदर भी आप देखें, ये थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल है। जब थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल है तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। फोर्थ इसका भी जीरो है, तो इसका मतलब इसमें भी हमें डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का पता चलेगा कि उसका कौन से ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस सेम हो जाता है, वहां से हमें उसकी डिग्री का पता चल जाएगा। इसके बाद यहां आते हैं, यह डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर fx=x²e−x/2। अब ये पॉलीनोमियल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा पॉइंट कितने हैं। ये 5 डेटा पॉइंट है हमारे पास और ये पॉलीनोमियल नहीं है, इसलिए इसके डिवाइडेड डिफरेंस चलते जाने हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये वैल्यूज आ गई, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ये वैल्यूज आ गई,
इसी तरह से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ये वैल्यूज आ गई, तो फोर्थ पे जाके सिंगल बन गई है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल अगर बनेंगी भी, इसकी पॉलिनोमियल हम बनाना भी चाहेंगे, तो वो फोर्थ डिग्री जाके बनेगी। ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर हम इस फंक्शन को छोड़ देते हैं, हम इस डेटा को देखते हैं, तो फिर इस डेटा से हम अगर फंक्शन बनाना चाहेंगे तो वो एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, लेकिन वो डिग्री फोर की जाके बनेगी। तो ये कुछ हमारे पास अभी डिफरेंस टेबल बनाए हैं हमने, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे लेने हैं, थर्ड कैसे लेना है, फोर्थ कैसे लेना है। तो ये हमने अभी टेबल डिस्कस किए हैं, इनको मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ और